टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद। टाइटेनियम आर्मी जिंदाबाद। जिस खून में जोश नहीं वो साला खून नहीं। जी हाँ गाइस, तो ये फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है हमारी ब्लैक होल बनाने वाली मशीन। हालांकि इससे जो ब्लैक होल बनता है वो रियल ब्लैक होल के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल है कि इसकी चपेट में अगर कोई इंसान भी आ जाए तो वो भी खुद को इससे बचा नहीं सकते। साथ साथ ये जो मशीन है ये इतनी पावरफुल है कि ये मशीन एक मिनट के अंदर 10,000 लीटर पानी कंज्यूम करती है। जी हाँ गाइस, इस मशीन को ब्लैक होल सिमुलेट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वाटर भी नॉर्मल वाला नहीं, वाटर के साथ में भी हमें एक ट्रिक करनी होती है, तब जाके ये जो मशीन है ये सिमुलेट करती है ब्लैक होल को। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब इस मशीन के अंदर पानी भरते हैं और बनाते हैं ब्लैक होल। हमारी जो मशीन है वो ब्लैक होल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और कमाल की बात ये है कि हम इस मशीन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अभी ब्लैक होल बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट कर दी गाइस। हमारी मशीन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे ये जो मशीन है ब्लैक होल फॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, और ये हमारा ब्लैक होल बनना स्टार्ट हो गया। गाइस आप देख सकते हैं कि शुरुआत के अंदर हमारा जो ब्लैक होल है वो छोटा है, और धीरे धीरे हमारी जो मशीन है ब्लैक होल को बढ़ाती जाएगी। गाइस आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो हमारा ब्लैक होल है उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड गाइस, मैंने अपने आप को रस्सी से बांध रखा है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक होल बड़ा होगा सेंटर के अंदर इसकी जो ग्रेविटी, इसका जो खिंचाव है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा, और वो इतना पावरफुल हो सकता है कि अगर मैं उसके सेंटर में चला गया देन किल बाबा किल। इस ब्लैक होल के अंदर से भी एंटर कर रहा है 10,000 लीटर पानी प्रति मिनट की रफ्तार से भी ज्यादा से, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये किस तरीके से बड़ा होता जा रहा है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ब्लैक होल को हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम इस ब्लैक होल के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं बैंग। दूसरा कलर, तीसरा कलर, और अब मैं आपको दिखाता हूं गैलेक्सी।
निकल के आएगा वो इतना ज्यादा ऑसम और अमेजिंग होगा गाइस। यार एक महीने की मेहनत, न जाने कितने रुपयों को हमने इसके अंदर फूंक दिया ब्लैक होल के अंदर, और हमें नहीं पता था कि यार ऐसा कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन गाइस यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने और हमने जो भी अभी देखा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो चीजें सारी की सारी रियल है। हमने इसके अंदर किसी भी तरह के किसी भी इफेक्ट का या फिर किसी भी तरह के VFX का इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो आपने देखा उन्हें हमने भी अपनी रियल आंखों से देखा था हमारी ब्लैक होल बनाने वाली मशीन के अंदर। मजा आ गया, मजा आ गया। तो गाइस यार एक महीने तक हमने कोई वीडियो शूट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस इसी प्रोजेक्ट पे लगे रहे। और खुशी इस बात की है कि फाइनली एंड में जाते जाते ये चीज दिल को छू गई। तो गाइस यार एक महीने से भले ही हमने एक वीडियो डालो, लेकिन आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल रियल थी। इससे पहले ऐसी चीजें हमने भी कभी भी नहीं देखी थी। खैर आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अंग्रेजी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।